मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस से मुखातिब हुए। लखनऊ में पत्रकारों से उन्होंने खास बातचीत की है। खास बातचीत इस वक्त भी वो पत्रकारों से कर रखे हैं। सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। आर के तिवारी जी, आज के समारोह में उपस्थित पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मृति समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की पावन जयंती के कार्यक्रम को आज पूरा प्रदेश और पूरा देश उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करने के साथ ही इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रति उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, जिन्होंने प्रदेश के विकास को भारत की भावनाओं के अनुरूप एक नई दिशा देने का कार्य किया था, ऐसे भारत माता के महान सपूत पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1937 से 1939 तक और उसके उपरांत 1947 से लेकर के 1954 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का एक यशस्वी नेतृत्व उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। वे प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आज के उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद प्रयागराज में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की, लेकिन उच्च शिक्षा अर्जित करने के दौरान ही देश की स्वाधीनता के प्रति मन में जो उमंग था, जो एक ललक थी, जो एक उत्साह था, वह उन्हें देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के निकट लाकर के और इस अभियान का एक प्रमुख सेनानी बना दिया।